पांव आइंदा की जानिब, सर गुज़िश्ता की तरफ, यूं भी चलते थे मुसाफिर, एक सफर ऐसा भी था। नमस्कार, सलाम, न्यूज क्लिक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी हां, पांव आइंदा की जानिब यानी आगे की तरफ, यानी भविष्य की तरफ, और सर गुज़िश्ता की तरफ यानी दिमाग सोच पीछे की तरफ, भूतकाल में। तकनीक बढ़ रही है लेकिन सोच पिछड़ रही है, यही आज की सच्चाई है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान जय विज्ञान में जय अनुसंधान का नारा जोड़ते हैं और दूसरी तरफ काले जादू की बात करते हैं। गणेश जी के हाथी के सर को प्लास्टिक सर्जरी का नायाब उदाहरण बताते हैं। नाले की गैस से चाय बनाने की बात करते हैं। बादलों में राडार को नाकाम कर देते हैं, आदि आदि। तो फिर कैसे हमारे देश में, हमारे नागरिकों में, नई पीढ़ी में वैज्ञानिक टेंपर यानी वैज्ञानिक सोच, नजरिया, प्रवृत्ति या वैज्ञानिक चेतना विकसित होगी? यही वजह है कि आज तर्क और विज्ञान दोनों को तिलांजलि दे दी गई है। यही वजह है कि बुद्धि की बात करने वाले, तर्क की बात करने वाले, विज्ञान की बात करने वाले बौद्धिकों, लेखकों और कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है। यही वजह है कि दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश को मार दिया जाता है। इसी सब पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क के संस्थापक सदस्य डी रघुनंदन। रघुनंदन जी, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। नमस्कार। आप जानते हैं कि 20 अगस्त तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की याद में हम मना रहे हैं दिन, शहादत का दिन है उनकी। इस दिन को हम साइंटिफिक टेम्पर डे यानी वैज्ञानिक चेतना दिवस के तौर पर मना रहे हैं। तो आप हमारे दर्शकों को जरा समझाइए, बताइए कि ये साइंटिफिक टेम्पर डे क्या है, क्यों है और विज्ञान को किस तरह से हम देख और समझ रहे हैं। जैसे आपने अपने इंट्रो में ही कहा था, ये इस दिन को हम नेशनल साइंटिफिक टेम्पर डे इसीलिए मना रहे हैं कि इसी दिन को नरेंद्र दाभोलकर की दिन दिहाड़े हत्या हुई थी। और नरेंद्र दाभोलकर के बाद लगातार 3-4 और कार्यकर्ता जो अपने आप को लेके अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, वैज्ञानिक चेतना के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तर्कवाद के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। गोविंद पंसारे, MM कलबुर्गी, गौरी लंकेश, और बाद में मालूम पड़ा कि इनकी हत्या करने वाले एक ही, जिसे कहना चाहिए राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे। तो हमने ये सोचा, जन विज्ञान आंदोलन ने ये सोचा कि इस दिवस को हमें हर साल मनाना चाहिए और 20 अगस्त को हमारा संगठन अखिल भारत के जन विज्ञान आंदोलन और कई और संगठन इस दिवस को मनाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं जनता के बीच में, स्कूल के बच्चों के बीच में, टीचर्स के साथ, आम जनता के साथ, ये बताने के लिए कि ये वैज्ञानिक चेतना क्या है। ये तो हुआ पहला हिस्सा आपके सवाल का। आपने इसके साथ जोड़ के पूछा कि विज्ञान क्या है, तो मैं इस पे ये स्पष्टीकरण पहले करना चाहता हूं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विज्ञान अलग चीजें हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि अलग चीजें हैं, विज्ञान तो है कि विज्ञान के तौर पे तर्क आधारित सोच को हम वैज्ञानिक चेतना कहते हैं, क्योंकि विज्ञान क्या है कि वो कुदरत को देखता है अलग अलग मुद्दों पे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, शरीर के स्ट्रक्चर को हो, बायोलॉजी हो, जीव जंतु के बारे में हो, उसके बारे में जानकारी हासिल करना विज्ञान का काम है। और विज्ञान कैसे करता है उसको, वो देखता है, ऑब्जर्व करता है कि क्या हो रहा है और उसके आधार पे एक थियोरी बनाता है कि तर्क इसके लिए हमने इकट्ठे किए हैं, इसको देख के हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं। क्या मैं वैज्ञानिक हूं जो मैंने नतीजा निकाला देख के, नाप के इत्यादि, क्या आप भी उसको मानते हैं, या तीसरा कोई वैज्ञानिक हो वो भी मानता है? अगर सब वैज्ञानिक इस चीज को टेस्ट करके देखता है
उसको वही नतीजा मिलना चाहिए जो पहले वैज्ञानिक को मिला था, इसे विज्ञान कहते हैं। क्योंकि तर्क आधारित सोच आपका गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आपने देखा है, आपने नापा है, आप इस वजह से एक नतीजे पर पहुंचते हैं। तो अगर इन्हीं कदमों को कोई दूसरा वैज्ञानिक भी करे तो वो वही उसी नतीजे पे पहुंचेगा। इसे हम वैज्ञानिक चेतना या तर्क आधारित चेतना कहते हैं। अब मैंने ये क्यों कहा पहले कि विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना को मैं थोड़ा अलग इसलिए देखता हूं कि हम देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि कई वैज्ञानिक होते हैं जो अपने करियर में या छात्र होते हैं, तो वो गणित में, अपने विज्ञान में, उसमें तो वो ठीक काम करते हैं, पर जब वो समाज में बाहर आते हैं तो उनके दिमाग में भी अंधविश्वास घुस जाता है। तो जरूरी नहीं है कि किसी को वैज्ञानिक जानकारी हो या कोई वैज्ञानिक हो तो उसमें पूरी तरह से वैज्ञानिक चेतना हो, ये जरूरी नहीं है। मुझे अब ये बताइए, मैं एक उस पर रहा हूँ कि जिस तरह हम, मैंने बार बार कह रहा हूँ, 2022 21वीं सदी, तकनीक तो हमारे पास, हमारे हाथ में बहुत आ गई है, लेकिन हम सोच के स्तर पर लगातार जो एक दिख रहा है समाज, कोई सा भी, वो पिछड़ रहा है। उसकी क्या वजह आप देखते हैं, और उसे हम एक उत्सुक दिमाग, एक जिज्ञासा कैसे पैदा कर सकते हैं लोगों में कि वो अपनी जांच परख कर सके चीजों की? तो इस आपके इस सवाल के भी दो हिस्से हैं। तो पहला यह है कि ये क्यों होता है, और दूसरा यह है कि इसको हम कैसे बदलने की कोशिश जो करते हैं कैसे करें। तो पहला जो हिस्सा है आपके सवाल का, ये क्यों होता है, हमारे समाज में जो सोच है, जो हमारे पूर्वज से हम सीखते हैं, स्कूलों में सीखते हैं, जो हमारे सामने आर्थिक व्यवस्था है, जो राजनीति है, जो समाज में है, उसमें कई प्रकार के सोच ऐसे दिए जाते हैं जिनके पीछे आपको कहा जाता है कि इसका कारण ये है, पर उसके पीछे असलियत में कारण कुछ और होता है। और इसलिए समाज को सोचने के लिए हमें एक पर्दे के पीछे जाके सच्चाई को ढूंढना पड़ता है। और इसके लिए चाहे वो समाजशास्त्र हो, इकोनॉमिक्स हो, कई प्रकार के जो जानकारी हैं हमारे पास, जिन सबको हम विज्ञान कहते हैं, सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंसेस हैं, वो ऐसे ही हैं जैसे हमारे नेचुरल साइंस है। तो ये सच्चाई ढूंढने के लिए हमें एक पर्दे के पीछे जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे सामने जो सच्चाई जाती रखी जाती है, जैसे जाति, अब आप समाज में जाइए तो वो कहते हैं कि जी ये तो पुराने काल से चला आ रहा है कि समाज में जाति होना स्वाभाविक है। और जाति है क्या, बस ये कहता है कि जो आपके, जो अगर जो भी आपका व्यवसाय है, जो भी आपके हुनर है, उसके आधार पे कोई कुम्हार है, कोई लोहार है, कोई ब्राह्मण है, कोई पुजारी है, तो ये तो स्वाभाविक है, तो इस तो है समाज में। पर आप, मानव जाति ने अपने समाज को कंट्रोल करने के लिए मनुष्य को, समाज को अलग अलग जातियों में बांटा है, ताकि जो शासक वर्ग है वो अपने शासन को आराम से कर पाए। तो ये सच्चाई निकालना आपको ढूंढ के, इसके पीछे तर्क को देख के आपको करना पड़ता है। और जैसे आप जानते हो, ये आसान काम नहीं है। इसीलिए जितने देश में आप जाएंगे तो वर्ग संघर्ष इसीलिए होता है, क्योंकि जो पहचानते हैं कि हाँ जाति है, कहीं पे वर्ग है, शासक वर्ग को समझने के लिए जो लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, तो उसको समझने के लिए आपको खोज करना पड़ता है और तर्क को ढूंढना पड़ता है। कई समाज ऐसे हैं जो कहते हैं हाँ अमीर गरीब तो होंगे ही होंगे, ये तो हर समाज में होता है, पर वो आपको नहीं बताएंगे कि अमीर लोग आपस में मिलके ऐसा एक ढांचा बनाते हैं कि अमीर अमीरी बढ़ता रहेगा उनका, और गरीब की गरीबी बढ़ती रहेगी। इसको ढूंढने के लिए आपको तर्क ढूंढने पड़ते हैं। तो आपको इसको समाज के अंदर ले जाके तर्क आधारित सोच जनता के सामने रखना पड़ेगा, चाहे वो कुदरत के बारे में हो, विज्ञान के बारे में हो, या समाज के बारे में हो। दोनों में बात वही है कि आप तर्क को सामने रखिए,
जनता को आमंत्रित कीजिए कि आप खुद सोचिए कि ये तर्क है आपके सामने तो हम इससे नतीजा क्या निकालते हैं। क्या हम शिक्षा पद्धति में अब कुछ बदलाव देखते हैं, किस तरह से चीजें डेवलप होंगी, ये टेम्परामेंट कैसे डेवलप होगा? बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है। इसमें वैसे ये शिक्षा जो काम है शुरू तो वहां से होना चाहिए पर होता नहीं है। जैसे आपने भी शुरू में कहा कि वैज्ञानिक चेतना को बढ़ाने के लिए स्कूलों में हमें तो पढ़ाया जाता था कि सवाल पूछिए, पर एट द सेम टाइम स्कूलों में ये भी पूछा जाता है या बताया जाता है बच्चों को, जो बच्चा ज्यादा सवाल पूछता है क्लास में टीचर अक्सर उसको कहता है चुप कर, क्यों क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है इतना। तो सवाल पूछना एक तो स्वाभाविक है बच्चों में, क्योंकि बच्चों में सीखने का तरीका ही ऐसे है कि सवाल पूछ के ही वो ज्ञान अपना बढ़ाता है बच्चा। पर सवाल पूछना वैज्ञानिक चेतना को बढ़ाने का सबसे अहम तरीका है। तो आपको सवाल पीछे से रोकना नहीं चाहिए, आपको उस वो दिशा वो दरवाजा खोलना चाहिए ज्ञान का जो बच्चा ढूंढ रहा है। तो शिक्षा का कैसे शिक्षा करते हैं, हमारी शिक्षा की पद्धति क्या है, क्या हम बच्चे में ये जिसे अंग्रेजी में क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, गहन सोच, एक सवाल को लेके उसको उसके पीछे तर्क ढूंढना, उसके आगे एक जवाब ढूंढना, फिर उस जवाब के अगले कदम में जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अनफॉर्चुनेटली हमारी शिक्षा पद्धति भारत में ज्यादातर रट्टा मार के ज्ञान हासिल करने में जाता है। ये तो हम सब जाते हैं अपनी जिंदगी में, लोगों के पास बड़ी सारी डिग्री होती है पर जानकारी उतनी नहीं होती, और ये हम हर रोज हमारी जिंदगी में देखते हैं। तो एक तो कक्षा की बात है, दूसरा समाज के अंदर। तो हम लोग जैसे जन विज्ञान आंदोलन में है, दोनों में काम करते हैं, स्कूलों में भी काम करते हैं, बच्चों के साथ मिलके काम करते हैं, कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट वगैरह बच्चों के सामने हम करते हैं ताकि जो सवाल बच्चों के दिमाग में है वो खुल जाए और उसके लिए जो जवाब वो ढूंढ रहा है उसके तरीके हम उसके सामने रखें। सोल्यूशन ये नहीं है कि बच्चा जो पूछ रहा है सवाल हम उसको जवाब दे दें, हम बच्चे को उस जवाब ढूंढने का रास्ता हमें खोलना चाहिए उसके लिए, ताकि वो खुद ढूंढे। हमने ही अगर उसको जवाब दे दिया तो उसकी जिज्ञासा हमने बढ़ाई नहीं, उसका खोज करने का तरीका नहीं बढ़ाया और उसको वो क्षमता नहीं दी कि आप कैसे खोजोगे उसको। तो वो रास्ता खोलना चाहिए बच्चों में और समाज में हर इंसान में कि, और हमने कोविड के दौरान भी इसको बहुत किया था। आप जानते हैं कि कोविड के दौरान कितने सारे अंधविश्वास घूम रहे थे समाज में, कोई जाके वहां कहता था कि आप धूप में खड़े रहिए, थोड़ा सा गर्म पानी को गरगरा कीजिए तो आपका कोविड चले जाएगा, कोई योग गुरु आके कहते थे कि फलानी दवाई ले लो तो उससे आप ठीक हो जाओगे। हमने जनता के बीच में जाके ये अंधविश्वासों का पर्दाफाश किया और बताया कि हकीकत क्या है और क्या नहीं है, वैक्सीनेशन क्यों लेना चाहिए, उसके इर्द गिर्द जो अंधविश्वास है वो क्या है और क्यों है इत्यादि। तो ये काम चाहे वो स्कूल के बच्चों में हो या समाज में बाहर हो कि तर्क आधारित सोच, इसके लिए रास्ता खोलना, वैज्ञानिक सोच हम उसे कहते हैं, मैं इसको इसीलिए तर्क आधारित सोच कहता हूं कि नहीं तो जनता डर जाती है, अरे भाई मुझे कोई पढ़ना लिखना तो आता नहीं, आपने बहुत ऊंची बात कह दी कि वैज्ञानिक सोच, विज्ञान तो मैंने कभी पढ़ा नहीं। तो हम कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, तर्क आधारित सोच को आगे बढ़ाना, इसी को हम विज्ञान कहते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। एक आखिरी सवाल कि आपका एक लंबा अनुभव रहा है, आपने बताया कि आपने कोविड के दौरान भी और अब भी जो जन विज्ञान के जरिए, जन विज्ञान कांग्रेस में भी अभी ये संकल्प लिया गया, तो आपका अनुभव क्या कहता, किस तरह की चुनौती आप देख रहे हैं वास्तव में अभी हमारे सामने है? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि
हमारे सामने जो एक दुनिया में जो लोगों का सोच है, विस्तार सोच है, तो पहला तो हमारा अनुभव ये कहता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले सोच विचार अंधविश्वास वो हमारा मेन टारगेट, जहां हम तर्क को जनता के सामने सबसे आसान तरीके से लाएं, जो शायद उनके दिमाग में वो जो ताला लगा हुआ है अंधविश्वास का, उसको खोल दे और जनता को वो एक चेतना दे कि नहीं, हम भी सवाल पूछ के जवाब तक पहुंच सकते हैं। ये मेन हमारा मकसद है कि ये तरीका होना चाहिए, पर इसके सामने बहुत बाधाएं आती हैं। एक मैं आपको सरल सा उदाहरण देता हूं जिसपे हमें काफी सफलता मिली है, और वो है सूर्य ग्रहण को लेकर। अब आप जानते हो सूर्य ग्रहण के इर्द गिर्द कितने अंधविश्वास हैं कि आपको उस दिन घर में खाना नहीं बनना चाहिए, घर बाहर नहीं जाना चाहिए, सूरज को के आसपास नहीं आना चाहिए, घर के अंदर बैठो, खाना मत खाओ, इत्यादि इत्यादि। तो हमने भी धीरे धीरे अपना कैंपेन शुरू किया और कई वैज्ञानिकों में टीवी में आके उन्होंने भी इस बात को रखा। प्रोफेसर यशपाल जी, यशपाल जैसे हमने उनसे ही काफी कुछ सीखा जी। टीवी में उन्होंने दिखाया कि देखो सूरज को ऐसा देखा जाता है ग्रहण के थ्रू, तो सूर्य ग्रहण को आप टीवी में भी देख सकते हो, टीवी में वो दिखाते गए। हम लोग मैदान में उतरे वो फिल्म जो होते हैं उसके देखने के लिए। हमने पटना के मैदान में जाके, गांधी मैदान में जाके ये प्रोग्राम किया, और मुझे खुशी है कि कई प्रयत्न के बाद, कई सालों में सूर्य ग्रहण के दौरान हमने इस प्रकार के प्रोग्राम किए कि उस दिन गांधी मैदान में ग्रहण को देखने के लिए जो भीड़ थी वो गंगा में जाके डुबकी लगाने वालों से ज्यादा भीड़ थी कि हम ग्रहण को देख पाए। तो ये चीजें आप ये नहीं सोच सकते कि ये इमीडिएटली रातों रात ये बदल जाएगा, एक चीज को मान जाएंगे दूसरी चीज को नहीं मानेंगे। तो दिस इज व्हाट आई कॉल कंटिन्यूअस स्ट्रगल, ये तो चलता हुआ एक संघर्ष है, ये एक रात में खत्म होने वाला संघर्ष नहीं है, ये जो चलता रहेगा। जैसे आप देखेंगे लोग सोचते थे कि ये भारत में ही ये ज्यादा है अंधविश्वास, क्योंकि हम लिखे पढ़े उतने नहीं है या हम पिछड़े हैं इत्यादि, पर जो सबसे आगे बढ़ा हुआ विकसित देश माने जाते हैं यूएस में इत्यादि में, अंधविश्वास वहां पे भी फैला हुआ है। वहां पे बड़े बड़े होटल हैं शहरों में जहाँ पे 12वीं मंजिल और 14वीं मंजिल होती है, 13वीं मंजिल होती नहीं है, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि हम 13वीं मंजिल में लुके हैं। तो अंधविश्वास हर समाज में है और उसको मिटाने के लिए अंधविश्वास इतना बढ़े कि वो खुद की जान ले ले या दूसरों की जान ले ले, जैसे हमने देखा, हमने इतने आला दिमागों को खो दिया अपने बीच इसी अंधविश्वास, इसी कट्टरता, यही सब अदल बदल कर चीजें चल रही हैं। मैं यही कह रहा था कि तकनीक हमारे हाथ में, रिमोट है, मोबाइल फोन है, लेकिन हम सोच के मामले में अब और ज्यादा कट्टर, और हर चीजों को जो हम मान भी रहे थे, जान रहे थे, उन्हें भी छोड़ रहे हैं। तो हमारे प्रयास और सरकारों के प्रयास वो कहाँ तक पहुंचे और उन्हें क्या करना चाहिए? एक अंत में छोटा सा जवाब कि सरकार के स्तर पर क्या होना चाहिए? हमारे संविधान में ये कहा गया है कि वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए, ये हर नागरिक का, ये हर नागरिक का फर्ज है और जाहिर है कि यह सरकार का फर्ज भी है। पर अफसोस की बात यह है कि स्वतंत्रता से आगे, हालांकि उसी टाइम के ये किए हुए संशोधन वगैरह हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि वैज्ञानिक चेतना को बढ़ाना चाहिए, हमने बढ़ाने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं की, चाहे वो सरकार में हो या समाज के बीच में हो। परंतु पिछले कई सालों से इसका उल्टा हो रहा है कि जानबूझ के वैज्ञानिक सोच को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, और सरकार के साथ जुड़े हुए जो शक्तियां हैं उसको, और कैसे करते हैं, जो आपने ये सवाल पूछा कि अंधविश्वास को फैलाते हैं और ये जनता को सिखाते हैं कि आपको सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, हम आपको जवाब दे रहे हैं, और ये जवाब हम दे रहे हैं हमारे वेद के मुताबिक,
हमारे पुराण के मुताबिक, हमारे आस्था के मुताबिक, तो आप इसको चुपचाप से मानिए और आगे बढ़िए, आपको कोई सवाल पूछने की क्या जरूरत है। तो इस प्रकार के जो आस्था को बढ़ाने वाले जो कोशिशें हैं, अंधविश्वास को बढ़ाने वाले कोशिशें हैं, जो नागरिक को कहता है कि आपको जानकारी खुद ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जवाब दे रहे हैं और जवाब देने वाले धार्मिक गुरु हैं आपके एक तरह से, तो धार्मिक गुरु के सामने तो आप सवाल नहीं उठाएंगे। तो धार्मिक गुरु जो आपको बताता है, उस प्रकार से समाज कहता है हमारी बात को मानिए। तो ये बिल्कुल उल्टा जा रहा है वैज्ञानिक सोच। उल्टा कि सवाल हम ज्यादा पूछेंगे तो कल हम सरकार से ये भी पूछेंगे कि हमारे पास ये खाना क्यों नहीं है, हमारे पास रोजगार क्यों नहीं है, तो वो इसी वजह से। और एक आसान रास्ता वो दे देते हैं कि आप सोचिए मत, हम जैसा कह रहे हैं चलिए हम आपके मसीहा हैं, रहनुमा हैं। तो खैर हम इस पर आगे भी बात करते रहेंगे, क्योंकि इतना गंभीर और ज़रूरी विषय है। फिलहाल आज इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने डी रघुनंदन जी की बातें सुनी, तर्क आधारित सोच। वाकई में आंखें बंद कर जीने से अच्छा है आंखें खोलकर मर जाना। भगत सिंह भी कहते थे व्यक्तियों को कुचल कर वे विचारों को नहीं मार सकते। कहा गया है कि रहेगी आबो हवा में ख्याल की बिजली, रहेगी आबो हवा में ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे ना रहे। शुक्रिया, सलाम।